हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये कहानी है इसरो की। दोस्तों, ये सफर शुरू हुआ था सन 1961 में, जब विक्रम साराभाई ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक प्रस्ताव लिखा था, जिसमें उन्होंने किसी स्पेस प्रोग्राम को शुरू करने की बात रखी, जिस पर पंडित जी ने विचार किया और उसे शुरू करने की सम्मति भी दी। फिर 1962 में इनकोस्पार के नाम शुरू हुआ हमारा स्पेस प्रोग्राम, जो कुछ सालों बाद मतलब ही 1969 में ISRO में कन्वर्ट हो गया, मतलब इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ISRO को बनाने का उद्देश्य ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास में स्पेस रिसर्च के विकास और दोहन के लिए किया गया था। दोस्तों, जब इसरो शुरू हो रहा था, उस वक्त बाकी देश हम पर हंस रहे थे और बोल रहे थे भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत है। और यही नहीं दोस्तों, रशिया और अमेरिका से मदद मांगने पर उन्होंने हमें मदद करने से साफ मना कर दिया था। सभी देशों के तानों को चाटा पड़ा जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, जिसका नाम फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया था, जो 19 अप्रैल 1975 को कपुस्टिन यार नामक रशियन रॉकेट लॉन्च एंड डेवलपमेंट साइट से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे USSR को विभिन्न भारतीय उपग्रहों को लॉन्च करने के बदले जहाज़ों और लॉन्चिंग जहाज़ों पर नज़र रखने के लिए भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दी थी। दोस्तों, आर्यभट्ट का उद्देश्य था कि एक्स रे एस्ट्रोनॉमी और सोलर फिजिक्स के प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। उसके ही 2 साल बाद ISRO ने खुद के रॉकेट SLV-3 को बनाया और अपना अगला सैटेलाइट RS-1 लॉन्च किया, और लॉन्च करते ही दुनिया का 6वां काबिल देश बना जिसने सक्सेसफुली ऑर्बिटल लॉन्चेस किए हैं। उसके बाद इसरो ने कई सक्सेसफुल लॉन्चेस किए, उन्हीं में से एक है जो इसरो का बिगेस्ट अचीवमेंट है, जो था मिशन मंगल, जिस पर तो सिनेमा भी बनाया गया है, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा जो मिशन को करने के लिए बाकी देश अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट कर दिया और हमारे प्यारे भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और वो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने 2017 में हेवीएस्ट मिशन को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किए थे। और ख़ास बात तो ये थी, ये सब उन्होंने इंडियन रॉकेट PSLV से लॉन्च किया था, और वो भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि इंडिया का ही लॉन्च स्टेशन है। इसी तरह उनकी सफलता की चर्चा बढ़ते ही जा रही है, और इतना ही नहीं, उनके कई फ्यूचर प्लान्स हैं जो प्लान्स हो गए हैं, जो वो आने वाले कुछ सालों में सक्सेसफुल करेंगे और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।